स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर बताएं आपके टीवी स्क्रीन पर। किसान संगठनों से सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में नेशनल हाईवे पर किसान न आए, ये अपील उनके द्वारा की गई है। विरोध करना, धरना देना, आंदोलन करना सबका अधिकार, ये कहते हुए यहाँ पर अनिल विज महामारी के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को बाधित न करें। कल भारतीय किसान यूनियन भाकियू ने 3 घंटे तक प्रदर्शन का ऐलान किया है और अब सूबे के गृहमंत्री अनिल विज के द्वारा यह अपील की गई है कि आप विरोध कीजिए, आप धरना दीजिए, आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन महामारी के इस वक्त में जो इमरजेंसी सेवा है उसको बाधित ना करें, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी पेश ना आए, यह अपील उनके द्वारा की गई है। आपको ये बताएं कि भारतीय किसान यूनियन जिसने मोर्चा खोल दिया है, दरअसल कृषि अध्यादेशों को लेकर ये विरोध जो कि देखने को मिल रहा है, हालांकि लोकसभा से पास हो चुका है बिल पर किसानों से अपील की गई है सूबे के गृह मंत्री के द्वारा। और लगातार जो स्वर हैं अब विरोध के उठने लगे हैं। हालांकि किसान संगठन भी दो फाड़ जरूर नजर आते हैं, क्योंकि एक तबका ऐसा है जो किसका समर्थन कर रहा है, तो वहीं कई संगठन जो हैं वो इन तीनों अध्यादेशों की मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बिल्स को लेकर किसानों से अपील सूबे के गृहमंत्री अनिल विज ने की। भारतीय किसान यूनियन ने इसको लेकर 3 घंटे तक प्रदर्शन का ऐलान किया और अब अनिल विज ने अपील की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर न आए किसान, एसेंशियल सर्विसेज को बाधित न करें, किसी तरह की परेशानियां ना वहां पर बढ़ाएं, ये उन्होंने बात कही। लगातार सरकार की ओर से इन बिल्स को लेकर ये आश्वासन दिया जा रहा है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। बीते दिनों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि ऐतिहासिक बिल है और किसानों को सशक्त कर देने वाला बिल है, लेकिन एक धरा किसानों का ऐसा जो कि इसे किसान विरोधी बताता है, ये किसान संगठन जो कि इसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाता हुआ, और इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा ये ऐलान किया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विज के इस अपील के बाद भाकियू का ऐलान, ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। अनिल विज के अपील के बाद भारतीय किसान यूनियन का ये ऐलान, नेशनल हाईवे नंबर 1 पर नहीं होगा प्रदर्शन, ये बात कही गई है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा। NH1 को छोड़कर सभी सड़कों को करेंगे जाम। भाकियू ने कल 3 घंटे तक सड़क जाम करने का ऐलान किया और जिस तरीके से उनसे अपील की गई उसके बाद उन्होंने ये बात कही। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनिल विज के अपील के बाद भाकियू का ऐलान सामने आया। भारतीय किसान यूनियन की ओर से बात कही गई कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर प्रदर्शन नहीं होगा, NH1 को छोड़कर सभी सड़कों को जाम किया जाएगा। भाकियू ने कल 3 घंटे तक सड़क जाम करने का ऐलान किया है। विज ने किसी भी NH पर प्रदर्शन ना करने की अपील की है उनसे, लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि NH1 पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा सड़कों पर हम जाम जरूर लगाएंगे। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर नहीं होगा प्रदर्शन, NH1 को छोड़कर सभी सड़कों को हम जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन की ओर से ये बात कही गई है। 3 घंटे तक रोड जाम करने का ऐलान भारतीय किसान यूनियन ने किया था और उसके बाद सूबे के गृहमंत्री अनिल विज ने अपील की कि आप विरोध कीजिए, आंदोलन कीजिए, आपका अधिकार है, धरना दीजिए, लेकिन नेशनल हाईवे पर ना आइए और महामारी के इस वक्त में इमरजेंसी सेवा बाधित ना करें, ये भी उन्होंने अपील की थी। अनिल विज की अपील के बाद भारतीय किसान यूनियन का ये ऐलान, नेशनल हाईवे नंबर 1 पर नहीं होगा प्रदर्शन, यानी कि इससे दूरी बनाई जाएगी। किसानों से बात कही गई है कि नेशनल हाईवे 1 पर वो ना जाएं,
लेकिन इसको छोड़कर बाकी सभी सड़कों पर जाम लगाएंगे। जाम करने का ऐलान उनके द्वारा किया गया। 3 घंटे तक इस प्रदर्शन की बात उनके द्वारा की गई। बिल को लेकर जो राड है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा। 3 घंटे तक जाम के बाद कही गई भाकियों के द्वारा ऐलान किया गया। और अब पिच के अपील के बाद ये ऐलान कि NH1 को छोड़कर बाकी सभी मार्गों पर जाम लगाया जाएगा। विशेष रणनीति के तहत यह फैसला भारतीय किसान यूनियन के द्वारा लिया गया। देखिए, ये जो 3 अध्यादेशों का भी कानून बना दिया है, अभी अध्यादेश नहीं बचे हैं वो, ये पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है। किसान विरोधी तो है ही, ये राष्ट्र विरोधी हैं। देश के किसी नागरिक को इनका फायदा नहीं है, केवल कारपोरेट के फायदे के लिए बनाए गए हैं। और इन अध्यादेशों का जो है वो हर तरह से विरोध किया जाएगा। फिलहाल जो हमारा आंदोलन है वो कल रोड जाम का प्रोग्राम है। हरियाणा में पूरे तरह पूरे हरियाणा के रोड बंद करेंगे। केवल एक रोड हरियाणा में खुला रहेगा, GT रोड, बाकी पूरे हरियाणा के रोड बंद किए जाएंगे। और उसके अगला जो आंदोलन है वो 25 तारीख को भारत बंद का प्रोग्राम है। और उसके बाद शायद 27 को या 28 को एक मीटिंग हम बुला रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। तो पूरे देश के किसान संगठन जो है उनको एक ही समय पे एक ही तरह का आंदोलन और एक ही मांगों पे करने के लिए सब पूरे देश में ये आंदोलन फैले, उसके लिए तैयार करेंगे, ताकि इस आंदोलन को पूरे देश का या देश का आंदोलन बने, ये हरियाणा पंजाब तक सीमित ना रहे। थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, जिनके द्वारा ये बात कही गई कि दरअसल ये जो बिल है वो किसान विरोधी के साथ ही साथ राष्ट्र विरोधी भी है, और इसीलिए हम सड़कों पर हम प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ये ऐलान ज़रूर किया गया है भारतीय किसान यूनियन की ओर से कि NH1 को छोड़कर बाकी सभी मार्गों को बाधित किया जाएगा। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ी जानकारी, अनिल विज की अपील के बाद भाकियों का ऐलान। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है सोनीपत से, आपको जरा इसे रूबरू करवा देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सोनीपत पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मोदी को हाँ, प्लास्टिक को ना, इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। भालगढ़ में थैला वितरण भी करेंगे JP नड्डा। सेवा सप्ताह के तहत चश्मा वितरण और रक्तदान शिविर लगेगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 20 सितंबर तक ये सेवा सप्ताह चलेगा। पार्टी की ओर से ये संदेश देने की कोशिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और उसके उपलक्ष में सेवा सप्ताह पार्टी मनाते हुए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेपी नड्डा वहां पर इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद, सेवा सप्ताह जो कि पार्टी मना रही है, मोदी को हाँ, प्लास्टिक को ना, इस नाम से कार्यक्रम का आयोजन, और इसमें JP नड्डा की मौजूदगी दीप प्रज्वलित करते हुए JP नड्डा, तमाम तरह के इंतजाम, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, दरअसल ये तस्वीरें BJP दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर वहां पर मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा की। वहां पर तमाम लोगों को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहां पर ये कार्यक्रम, अनिल जैन भी आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में, और तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, नेताओं की मौजूदगी वहां पर है ये कार्यक्रम, जिसका आयोजन वहाँ पर किया गया है। इसके अलावा बहालगढ़ में थैला वितरण भी करेंगे JP नड्डा। सेवा सप्ताह के तहत चश्मा वितरण और रक्तदान शिविर का आयोजन पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संदेश देने की भी कोशिश, और इसी के तहत पूरे सप्ताह भर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन 20 तारीख तक यानी कि कल तक
ये सेवा सप्ताह मनाया जाएगा और इस दौरान इस अवधि में तमाम तरह के कार्यक्रम यहाँ पर पार्टी की ओर से किए गए। और इसी क्रम में आज होने वाले इस कार्यक्रम में मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। मोदी को हाँ, प्लास्टिक को ना, ये कार्यक्रम का आयोजन और यहाँ से संदेश देने की कोशिश, क्योंकि इस पूरे जन्मदिन को लेकर यहाँ पर आपको ये बताएं कि एक रणनीति बनाई गई, ये फैसला लिया गया कि एक संदेश जाए। और इसी के तहत तमाम तरह के कार्यक्रम बीते कई दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, या फिर यूँ कहें कि देश के अलग अलग हिस्सों में चलाए जा रहे हैं। और आज इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन, और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं सोनीपत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी, तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर लगातार, क्योंकि अपील की जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहें, इसका इस्तेमाल ना करें। प्रधानमंत्री भी बार बार ये अपील करते रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हरियाणा के सोनीपत से ये संदेश देते हुए नज़र आएंगे। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम तरह के कार्यक्रम है यहाँ पर, चश्मा वितरण समारोह भी होना है, तमाम लोगों की मौजूदगी है वहाँ पर। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कार्यकर्ताओं का भी हुजूम है वहाँ पर। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष पर ये कार्यक्रम जो कि वहाँ पर आयोजित हो रहा है, और उसमें ये तमाम चेहरे वहाँ पर मौजूद जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत संदेश, साथ ही साथ आपको ये बताएं कि बालगढ़ में भी थैला वितरण समारोह होना है, चश्मा वितरण समारोह भी, जिसमें हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर स्वागत पगड़ी के जरिए करते हुए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर यहाँ पर दी जा रही है जेपी नड्डा को, और ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर उनको भेंट करते हुए वहाँ पर लोग तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वागत होता हुआ। स्वागत करते हुए तमाम लोग, और चिन्ह भी यहाँ पर भेंट किया जा रहा है, पुष्प गुच्छ देकर यहाँ पर स्वागत जेपी नड्डा का। स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए जेपी नड्डा को वहाँ पर ये कार्यक्रम, जो कि अपने आप में खास, मंच की हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर इस कार्यक्रम का दरअसल आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ अनिल जैन भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। तमाम लोगों की वहाँ पर मौजूदगी है, और ये कार्यक्रम क्योंकि सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को, ये संकल्प लिया गया कि हम इस अवसर पर संदेश दें, और इसी के तहत आज ये कार्यक्रम। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आपको यहाँ पर ये बताएं कि किसान संगठनों से गृह मंत्री अनिल विज ने अपील की है। दरअसल बिल पर किसानों से अपील की गई है, किसी भी हाल में नेशनल हाईवे पर ना आए किसान, ये अपील की गई है। अनिल विज के द्वारा विरोध करना, धरना देना, आंदोलन करना सबका अधिकार, ये
अनिल विज ने ये बात कही। महामारी के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को न आए कोई परेशानी, कोई बाधा ना आए। कल दरअसल भारतीय किसान यूनियन ने 3 घंटे तक प्रदर्शन का ऐलान किया है और इसी को लेकर अनिल विज ने यह अपील की है। क्या कुछ उन्होंने अपील की, क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा सरकार के पूरे इंतजाम हैं, किसान हैं जो विपक्षी दलों के गुमराह करने के रास्ते में आकर अपना कोई विरोध करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान आज़ाद देश है, वो विरोध कर सकते हैं। लेकिन हम सभी किसान संगठनों से अपील करना चाहते हैं कि वो विरोध करें, धरने दें, जुलूस निकालें, लेकिन किसी भी सूरत में वो राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद ना करें। देश में महामारी फैली हुई है, कोरोना काल है, कोई मरीज लेके जा रहा है, किसी को दवाई लेके जानी है, किसी एम्बुलेंस को जाना है, तो उसके रास्ते में व्यवधान मत डालें। ये मेरी सभी किसान संघों को अपील है, बाकी उनका अधिकार है, वो आंदोलन करें, अपनी आवाज़ उठाएं, जोर शोर से उठाएं, उसमें भारत ने के संविधान ने उनको अधिकार दिया हुआ है। हरियाणा सरकार के पूरे कृषि बिल को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस केंद्र सरकार के कृषि बिल को किसान विरोधी बता रही है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ेगी। वहीं उन्होंने बिल पर अकाली दल के विरोध पर भी कई सवाल उठाए हैं। अध्यादेश अभी भी राज्यसभा में पारित होने ये कानून बाकी है। आप याद करिए, इन्हीं कुतर्कों के साथ मोदी जी किसान की जमीन का मुआवजा खत्म करने वाला अध्यादेश लाए थे, तब भी कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर छाती अड़ाकर लड़ाई लड़ी किसानों के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर आखिर में उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। हम कटिबद्ध हैं कि इन काले कानूनों को वापस करवा कर दम लेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हरसिमरत कौर जी ने चुप्पी क्यों साधे रखी जून से और सितंबर तक? मंत्रिमंडल में जब तीनों अध्यादेश पारित हुए तो हरसिमरत कौर जी वहां बैठी थी, उनके उस पर सहमति पर दस्तखत हैं, अकाली दल बादल की मंत्री के। उन्होंने तब विरोध क्यों नहीं दर्शाया और जताया? आज जब लगा कि पंजाब के अंदर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा तो फिर स्वांग करके अब इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो दे दिया, पर क्या हरसिमरत कौर बादल जी और सुखबीर बादल जी दोनों बीजेपी की मदद से संसद में एमपी नहीं बनकर गए हैं? तो सबसे पहले तो एमपी के पदों से इस्तीफा दें। क्या आज भी वो मोदी सरकार के साथ उनके समर्थन में नहीं खड़े हैं, उनके घटक दल के हिस्सेदार नहीं हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से समर्थन हुआ। और अब एक नजर हेडलाइंस पे। हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर वन आयुर्वेदिक औषधि वेटोनिक। किसान संगठनों से गृह मंत्री अनिल विज की अपील, विरोध करना, धरना देना, आंदोलन करना सबका अधिकार, लेकिन किसी भी हाल में नेशनल हाईवे पर न आए किसान। भाकियों ने कल 3 घंटे तक प्रदर्शन का किया है ऐलान। देश में 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि, 1,000 से ज्यादा लोगों ने गवाई जान, 53 लाख के पार पहुंचे संक्रमित केस, एक्टिव केस 10 लाख से ज्यादा। सिरसा में 24 घंटे में 3 मरीजों की हुई मौत, 92 नए मामले आए सामने, रेवाड़ी में मिले 58 नए केस, हरियाणा में 1,06,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा। फरीदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया काबू, आसपास के लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ। अल
अलकायदा ने नेटवर्क का एनआईए ने किया पर्दाफाश। केरल और बंगाल में छापेमारी, 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, ज्यादातर की उम्र 30 साल के करीब। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये कहना है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए उससे किसानों का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी पहले की तरह लागू रहेगी। किसानों को इससे फायदा होगा क्योंकि उसके सामान के खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस समय धान और गेहूं के खरीदार कम है और जब यह अध्यादेश लागू होंगे तो खरीदारों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे सीधा सीधा लाभ किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को हक मिलेगा कि वो अपना सामान कहीं भी देख सकेंगे। इससे पहले इस तरह की छूट नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों को आढ़तियों के चंगुल से बचाना चाहती है, क्योंकि आढ़ती किसानों से 24% तक सालाना ब्याज लेते हैं। जब ये अध्यादेश लागू होंगे तो किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की छूट होगी। सरकार तो जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी उस प्रकार से सरकार तैयार है, लेकिन मैं किसानों से ही कहूंगा कि ये सारी चीज जो है किसान के हित की है और बिल्कुल भी इनके बरगलाने में नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए बरगलाने लग गए और वो चाहे आड़ती के लिए है, चाहे किसी के लिए, जो भी जिस प्रकार का वो सिस्टम सारा का सारा कर रहे, और मैं नहीं समझता कि इससे किसी को भी नुकसान है। तो आपको बताएं कि किसानों के हित में है बिल, ये कहना है गुर्जर का। और यहाँ पर जब वो पहुँचे कंवरपाल गुर्जर तो उन्होंने विपक्ष पर भी ज़ोरदार हमला बोला और ये कहा कि विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है किसानों को। तीनों जो बिल हैं वो किसानों के हित में हैं, इससे किसी भी सूरत में किसानों को नुकसान नहीं होगा, सामान खरीदने वाले बढ़ जाएंगे और इससे किसानों को फ़ायदा होगा, खरीदारों की संख्या बढ़ने से किसानों को फायदा होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, आपको ये बताएं आपके टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी जानकारी। फसल खरीद को लेकर समीक्षा बैठक, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक इस वक्त। धान के लिए 200 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, ये एक फैसला लिया गया है। बाजरे के लिए 100 खरीद केंद्र का भी फैसला लिया गया। मूंग के लिए 25 खरीद केंद्र, मक्के के लिए 20 खरीद केंद्र, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो आपको बताएं कि ये जो बैठक है वो यहाँ पर हुई सब फसल खरीद को लेकर और इसमें तमाम तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक जिसमें फैसला लिया गया कि धान के लिए 200 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे, बाजरे के लिए 100 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे, किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा, मूंग के लिए 25 खरीद केंद्र, मक्के के लिए 20 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे, ये बात कही गई है, ये फैसला लिया गया है। और इसी के तहत जो सेंटर्स हैं, जो खरीद केंद्र हैं, उसको बढ़ा दिया गया है। ये फैसला लिया गया है कि धान के लिए 200 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको ये बताएं कि बाजरे के लिए 100 खरीद केंद्रों के जरिए ये खरीदारी होगी। विपिन परमार मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ सब मौजूद हैं। विपिन, अपने आप में कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। देखिए बिल्कुल प्रिया, कहीं ना कहीं इस बार जो धान की खरीद है, यानी कि खरीद की फसलों की अगर खरीद की बात की जाए तो ऐसे में सरकार पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना चाहती है किसी भी तरह से कोई दिक्कत और मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े किसानों को। ऐसे में धान, बाजरा, मूंग और मक्के की खरीद जो है वो की जाएगी। और आज की ये महत्वपूर्ण बैठक जो कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास के द्वारा ली गई है, उसमें जो है वो जानकारी देते हुए ये बताया गया है कि धान के लिए तकरीबन 200 खरीद केंद्र जो है वो इस शाम खोले गए हैं, जबकि बाजरे के लिए 100 के करीब केंद्र है, मूंग के लिए 25 और मक्के की फसल की खरीद के लिए 20 केंद्र जो है वो खरीदे गए हैं। इसी के साथ साथ धान खरीद के केंद्रों की बढ़ोतरी जो है वो भी हो सकती है। इसी के साथ साथ जो राइस मिलर्स खरीद करवाना चाहते हैं वो जो है खरीद केंद्र बनाने को सरकार वहां पर भी जो है वो उनको खरीद केंद्र बना कर देगी। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को भी दिक्कत ना आए और मंडी में केवल बाजरे की जो फसल की खरीद की जाएगी वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के दर्ज
किसानों की ही की जाएगी। ऐसे में 25 सितंबर से धान की खरीद पर उन्होंने जिस तरह से केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। तो ऐसे में हो सकता है कि 1 अक्टूबर से ही धान की खरीद की शुरुआत जो है वो हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये बताएं कि बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, फसल खरीद को लेकर ये समीक्षा बैठक। हरियाणा में कोरोना के कारण करीब 5.5 महीने के बाद आपको ये बताएं कि स्कूल्स खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं, लेकिन आपको प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इसमें आप सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।